हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा आप सब जानते हैं कि हमने डीएवी की मैथ्स की जो बुक है 6th क्लास की, वो स्टार्ट की है। इसमें अब हम इसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इसमें इसका चैप्टर नंबर 2 करेंगे, और चैप्टर नंबर 2 का नेम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अब ये चैप्टर करने से पहले हम इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हम करेंगे। इंट्रोडक्शन में हमारे पास सबसे पहले है, हमें कुछ डेफिनेशंस करनी है, क्योंकि इस पे ही बेस हमारी वर्कशीट नंबर 1 है। तो सबसे हम इसकी ये पहले डेफिनेशंस कर लेते हैं। सबसे पहले है मल्टीपल्स। अब हमें देखना है कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। इसमें है, फॉर गेटिंग मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर वी रिसाइट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ दैट नंबर। हमें क्या करना है, अगर हमें किसी भी नंबर के मल्टीपल्स चाहिए तो हमें क्या करना है, हमें उस नंबर की क्या है उसकी टेबल को ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल के लिए भी लिया है कि मल्टीपल्स ऑफ 4, कि अगर आपको कोई कहता है कि 4 के मल्टीपल बताओ कि 4 के मल्टीपल्स क्या होंगे, मल्टीपल जैसे यहीं से पता चल रहा है मल्टीप्लाई जैसा कुछ आया है। ठीक है, तो हमें बताना है कि 4 के मल्टीपल्स क्या हैं। अब आपने देखा होगा कि जो टेबल होती है वो टेबल में भी क्या होता है, मल्टीप्लाई करके ही आते हैं। जैसे क्या है, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी टेबल होती है, 4 3 ज़ार 12, 4 4 ज़ार 16। तो अगर हमें किसी भी नंबर के मल्टीपल्स हमसे कोई पूछता है तो हम उसके मल्टीपल्स क्या बताएंगे, उसकी टेबल में जितने भी आगे हमारे पास नंबर आते चले जाएंगे तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, मल्टीपल्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फैक्टर्स क्या होते हैं। ये डेफिनेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिसको ये डेफिनेशन समझ आएंगी वही आगे पूरा कर पाएगा। ठीक है, तो पहले हमने क्या पढ़ा, मल्टीपल। मल्टीपल में क्या था, जो भी नंबर है उसकी टेबल ले लो, टेबल में जो जो भी हमारे पास नंबर जा रहे हैं वही उसके क्या हो जाएंगे, मल्टीपल्स। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16 एंड अप टू 100, जहाँ तक भी जाए। ऐसे नहीं कि 4 10 ज़ा 40 हो जाएंगे तो वहीं स्टॉप हो जाएगा, नहीं, जहाँ पे मतलब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो उसका मल्टीपल होगा। नेक्स्ट है फैक्टर। अ फैक्टर ऑफ अ नंबर डिवाइड्स द नंबर एग्जैक्टली विद 0 एज द रिमाइंडर। फॉर एग्जांपल द फैक्टर ऑफ 12 आर। अच्छा, अब यहाँ देखो फैक्टर ध्यान से देखना है। इन्होंने क्या बोला है, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर डिवाइड्स द नंबर एग्जैक्टली। ठीक है, अब आपको क्या, मान लो कि मैं आपसे, यह मैंने 12 के लिखे हैं लेकिन मैं बताऊंगी कि आए कैसे हैं। मैंने नंबर ले लिया कि 12। ठीक है, मुझे 12 के क्या बताने हैं, फैक्टर बताने हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ से देखो फैक्टर क्या होंगे, वो सारे नंबर जो इसको डिवाइड कर दें और पूरा डिवाइड कर दें। ठीक है, अब आप ये देखो, अगर मैं 12 को 1 से डिवाइड करूँ, ठीक है, किसी को भी 1 से डिवाइड कर दो तो वही नंबर आ जाता है। ठीक है, तो ये 1 इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, तो 1 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। ठीक है, या फिर अगर आप ऐसे ऐसे अपॉन में नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे देख लो, जैसे 12 है, मैं चेक करना चाहती हूँ कि 2 इसका फैक्टर है या नहीं है, तो मैं इसको 2 से डिवाइड करके देखूँगी। ठीक है, तो हमें 2 की टेबल आती है, तो 2 की टेबल में 12 कहाँ था, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। इन्होंने बोला है विद 0 एज द रिमाइंडर। ठीक है, तो वो सारे नंबर जो दिए हुए नंबर को, मतलब जैसे इन्होंने स्टार्टिंग में हमें कौन सा नंबर दिया था, 12, तो 12 को जो नंबर पूरे पूरे डिवाइड कर देंगे तो वो नंबर उसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर। अब आप यहाँ से देखो, ठीक है, हमारे पास सबसे पहले मैंने 1 लिया, क्या 1 12 को डिवाइड करेगा, हाँ कर देगा। क्या 2 को, क्या 2 12 को डिवाइड करेगा, आप उसकी टेबल पढ़ लो, क्या 2 की टेबल में 12 आता है, 2 6 ज़ा 12। क्या 3 की टेबल में आता है, 3 4 ज़ा 12। क्या 4 की टेबल में आता है, 4 3 ज़ा 12। अब इसके बाद हम देखो, हम काउंटिंग में चल रहा है, 1 2 3 4 5। अगर मैं कहूँ कि 5 इसका फैक्टर है या नहीं, अब आप देख लो क्या 5 की टेबल में 12 आता होगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, तो 12 नहीं आता 5 की टेबल में, तो 5 इसका फैक्टर नहीं है। अब ऐसे ही तो क्या हो जाएगा, 12 देखो, 12 12 की टेबल में आता है, तो 12 1 ज़ा 12। ठीक है, एक बार दोबारा से फिर क्लियर करती हूँ, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर डिवाइड द नंबर एग्जैक्टली। ठीक है, जो भी आप नंबर लेके चलोगे, जैसे यहाँ 12 लिया, तो 12 को जो जो नंबर पूरा डिवाइड कर देंगे तो वो इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर। 1 12 को पूरा डिवाइड करता है, 2 पूरा डिवाइड करता है,
थ्री 12 को पूरा पूरा डिवाइड करता है, 4 डिवाइड करता है, 6 डिवाइड करता है, और कोई भी नंबर अपने आप को तो डिवाइड करता ही है, ठीक है। तो जो जो नंबर इसको डिवाइड कर देंगे वो उसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे, ठीक है। आप चाहें तो कोई एक और एग्जांपल लेके मैं आपको करा सकती हूँ, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ आपको बताती हूँ, ठीक है, कि अगर मैं कहूँ कि 6 के फैक्टर लिखो सारे, ठीक है, तो अब आप देख लो 1 तो इसको डिवाइड कर ही देगा 6 को पूरा पूरा, ठीक है, तो ये 1 इसका फैक्टर है। अगर मैं कहूँ 2, क्या 2 इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा, हाँ पूरा पूरा डिवाइड करेगा। जैसे अगर आप 6 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 6, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0। तो जो आप नंबर यहाँ लेके चले तो ये 2 इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर। अब ऐसा नहीं है कि हम पूरा पूरा डिवाइड करके देखेंगे, जो भी नंबर आप ले रहे हो उसकी टेबल में देख लो कि टेबल में आता है नहीं, 3 की टेबल में 6 देखो आता है नहीं, 3 1 3 3 2 6 आता है, तो 3 भी इसका फैक्टर है। 4 की टेबल में 4 1 4 4 2 8 नहीं आ रहा, 5 की टेबल में 5 1 5 5 2 10 नहीं आ रहा, 6 की टेबल में 6 1 6, ठीक है। तो जो उसकी टेबल में आ जाएंगे, जिनकी टेबल में 6 आ जाएगा, तो वो सारे इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइम नंबर्स। अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज़ कॉल्ड प्राइम नंबर। अच्छा यहाँ देखो प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इन्होंने क्या बोला, अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर्स। आपको कोई भी नंबर लेना है, जैसे मान लो मैंने नंबर लिया 2, ठीक है। अब आपको मैं यहाँ कहती हूँ कि फैक्टर्स ऑफ 2 लिखो, फैक्टर्स ऑफ 2, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ 2 क्या क्या आएंगे, अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया, इससे पहले मैंने आपको फैक्टर की ही डेफिनेशन दी थी कि वो सारे नंबर जो कोई भी नंबर आप लेके चलोगे उसको पूरा पूरा डिवाइड कर दें। तो अब आप यहाँ से देखो, क्या 1 2 को डिवाइड कर देगा, हाँ जी कर देगा। क्या 2 2 को डिवाइड कर देगा, कर देगा। इससे आगे तो जाने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि नंबर इतना छोटा है, 3 पे अगर हम जाएंगे वो तो इससे वैसे ही बड़ा हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, 1 और 2 इसके क्या है, पूरा पूरा डिवाइड करें, तो ये इसके कैसे हैं, फैक्टर हैं, ठीक है। 1 और 2 इसके फैक्टर हैं। अब इन्होंने क्या बोला है, अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर। पहले तो आप ये देखो, क्या इसके 2 फैक्टर बन रहे हैं, बन रहे हैं। और दूसरा वो क्या कहता है, 2 डिफरेंट फैक्टर, और ये फैक्टर क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो 1 और 2 अलग अलग हैं, तो ये जो नंबर है ये इसको हम क्या कहेंगे, प्राइम, ठीक है। मैं आपको कहती हूँ 3, ठीक है, 3 के फैक्टर्स निकालो, तो हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 3, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ 3 क्या क्या आएंगे, 1 पूरा पूरा डिवाइड करेगा 3 को, क्या 2 डिवाइड करेगा 3 को, क्या 2 डिवाइड करेगा 3 को, 2 1 2 नहीं कर रहा, रिमाइंडर 1 रहेगा, तो ये डिवाइड नहीं कर रहा, तो इसका फैक्टर नहीं है, 1 हो चुका है, 2 नहीं है, 3 की टेबल में 3 आ जाता है, ठीक है। अब इससे बड़े नंबर पे तो जाना ही नहीं है, ठीक है। तो हमने देखा कि 3, ये जो 3 नंबर लिया हमने, इसके भी 2 फैक्टर आ रहे हैं, क्या वो दोनों अलग अलग हैं, हाँ 1 और 3 आपस में अलग अलग हैं, तो ये जो 3 है ये भी कैसा हो जाएगा, प्राइम, ठीक है। अब अगर कोई कहे कि मैम आपने 1 तो चेक किया ही नहीं, ठीक है, अब आप ये देख लो, मैं इसको थोड़ा यहाँ से भी लिख के दिखा दूँगी आपको, 1 मल्टीप्लाई 2 लिख लो, 1 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। इसको ऐसे मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ इन्हीं दो नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। अब 1 लिख लो, 1 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। अब आप ये देखो, ये जो मैंने 1 मल्टीप्लाई 1 लिखा है यहाँ पे, आप मुझे ये देख के बताओ, चलो 1 1 1 1 तो होंगे, ये 2 फैक्टर भी होंगे, लेकिन क्या दोनों फैक्टर डिफरेंट हैं, क्योंकि जो डेफिनेशन है उसमें क्या लिखा हुआ है, 2 डिफरेंट फैक्टर, तो ये डिफरेंट तो नहीं है, तो सेम आ गए, तो इस वजह से 1 हमारा प्राइम नहीं है, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देखो, तो प्राइम नंबर में क्या क्या आ जाएंगे, 2 3 5 7, या फिर इसकी एक और डेफिनेशन जो बिल्कुल सिंपल है वो क्या है, अगर कोई नंबर सिर्फ अपनी ही टेबल से डिवाइड होता है, ठीक है, जैसे 2 है वो सिर्फ 2 से डिवाइड होगा, 3 3 से डिवाइड होगा, 5 5 से डिवाइड होगा, 7 7 से डिवाइड होगा, ठीक है, जो सिर्फ अपनी ही टेबल से डिवाइड होते हैं, तो उनको भी हम क्या कह देते हैं, प्राइम। एक्चुअल में डेफिनेशन ये है, लेकिन छोटे लेवल पे बच्चों को क्लियर नहीं होती, तो वो इसको थोड़ा सा ऐसे याद रख सकते हैं कि जो सिर्फ अपनी ही टेबल पे डिवाइड होते हैं, 2 3 5 7 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है, ये हो जाएगा प्राइम नंबर। एंड नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स इज़ कॉल्ड कंपोजिट नंबर। अब आपको क्या करना है, प्राइम नंबर मैंने आपको बता दिए कि जिसके कितने फैक्टर होते हो, 2, और दोनों कैसे हो, अलग अलग, एक कोई एक बड़ा आएगा, कोई एक छोटा आएगा,
प्राइम में कितने फैक्टर थे? दो, दोनों अलग अलग थे। ठीक है, प्राइम मतलब कोई एक ऐसा नंबर जिसके कितने फैक्टर हों? दो, और दोनों कैसे हों? डिफरेंट हों। अब कंपोजिट में क्या है? अ नंबर विच हैज़ मोर देन टू फैक्टर, जिसके दो से ज़्यादा हों। मतलब अगर दो फैक्टर आ रहे हैं तो वो क्या होगा? प्राइम। और दोनों कैसे हों? अलग अलग। अगर उसके कितने? दो से ज़्यादा, मतलब तीन हो, चार हो, पाँच हो, अगर उसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो जाएं। अ नंबर विच हैज़ मोर देन टू डिफरेंट फैक्टर्स, दो से ज़्यादा डिफरेंट फैक्टर हों, अलग अलग फैक्टर हों, तो हम उसको क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ थोड़े से एग्जाम्पल बता रही हूँ, इनसे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने लिया कि फोर के फैक्टर क्या हैं। अब आप देख लो, फोर किस किस से डिवाइड होता है? वन से डिवाइड होता है पूरा पूरा, टू से डिवाइड होता है, फोर अपने आप से फोर से भी डिवाइड होता है। तो इसके कितने फैक्टर हो गया? वन टू थ्री। ठीक है, वन टू थ्री, और तीनों आपस में, तीनों क्या है? अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये फोर क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। मतलब कंपोजिट, उसके हम टुकड़े करना चाहें तो टुकड़े हो सकते हैं और अलग अलग होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अगर हम फैक्टर करते, इसके फैक्टर क्या क्या हैं? वन है, टू है, फोर है। ठीक है, फैक्टर ऑफ सिक्स आर, सिक्स के अगर आप फैक्टर देखो, मतलब सिक्स किन किन नंबर से डिवाइड हो जाता है? वन से डिवाइड होता है, टू से डिवाइड होता है, थ्री से डिवाइड होता है, सिक्स से डिवाइड होता है। ठीक है, तो अब आप, आपको ये सारे नंबर फाइंड करने होते हैं। तो अब आप ये देख लो, सारे अलग अलग है ना, तो दो से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं, तो सिक्स भी क्या है? कंपोजिट। ऐसे ही एट का चेक कर लो, ऐसे ही नाइन का चेक कर लो। नाइन क्या है? वन से डिवाइड होता है, थ्री से डिवाइड होता है, थ्री थ्री ज़ा नाइन, और नाइन वन ज़ा नाइन। ठीक है, तो इनकी टेबल में आ जाता है ये, तो तीन फैक्टर हो गए। दो होते तो क्या होता? प्राइम। अगर दो से ज़्यादा, मतलब जैसे तीन फैक्टर बन जाएँ, चार या उससे भी ज़्यादा फैक्टर बन जाएँ, तो उसको क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। ठीक है, जैसे आप वर्कशीट करोगे, वर्कशीट में से और ज़्यादा आपको क्लियर होगा। ठीक है, ये तो आपको हाँ जी। नेक्स्ट है ये, एक मिनट, एक कैमरा साफ कर लें। हाँ जी, अब वीडियो क्लियर है। नेक्स्ट है ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो अब ट्विन प्राइम नंबर्स में देखिए क्या है। ट्विन, ट्विन से ही पता चल रहा है, जैसे ट्विन्स कह देते हैं हम। ठीक है, मतलब दो। नेक्स्ट है हमारे पास ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ट्विन प्राइम नंबर देखो क्या होते हैं। प्राइम नंबर आप पढ़ के आए हो, अभी अभी मैंने डेफिनेशन कराई थी। अब उसके बाद है ट्विन प्राइम नंबर्स। टू प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज टू आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स। देखो, ट्विन दो जगह यूज़ होगा। एक तो ट्विन का मतलब वो दो होने चाहिए। ठीक है, और एक दूसरी चीज़ क्या है कि उनका डिफरेंस क्या आना चाहिए? उनको अगर माइनस कर ले, बड़े में से छोटा माइनस करें, तो आंसर कितना आना चाहिए? टू। आप यहाँ देखो, टू प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज़ टू आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स। अब जैसे यहाँ मैंने अभी आपको इससे पहले कराया था, यहाँ प्राइम नंबर मैंने आपको बताए थे, ये आए थे वो नंबर जो सिर्फ अपनी ही टेबल से कट डिवाइड होते हैं, टू थ्री फाइव सेवन। ठीक है, अब आपको इनमें से कोई दो उठाने हैं, और जिनका डिफरेंस क्या आ रहा हो? दो। जैसे आप ये उठाते हो, टू और थ्री ले लोगे आप, इनका माइनस करोगे तो कितना आएगा? वन। थ्री और फाइव लोगे तो माइनस करोगे, तो फाइव में से थ्री माइनस करोगे कितना आएगा? टू। तो ये दोनों कैसे हैं? ट्विन प्राइम्स हैं। फाइव और सेवन देख लो, फाइव भी एक प्राइम नंबर है, सेवन भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, सेवन में से फाइव माइनस करोगे कितना आएगा? टू। तो ये कैसे हो जाएंगे आपके? ट्विन प्राइम्स। यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, तो यहाँ देखो, टू प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज़ टू आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर। जैसे फाइव और थ्री, फाइव सिर्फ अपने ही टेबल से कट होता है, थ्री सिर्फ अपने ही टेबल से कट होता है, और अगर आप इनको माइनस करके देखोगे, फाइव में से थ्री माइनस करोगे तो कितना आता है? टू। अगर डिफरेंस कितना आता है? टू। तो ये फाइव और थ्री हमारे क्या हो जाएंगे? ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट है 41 और 43। अब आप ये चेक करो, 41 सिर्फ 41 की ही टेबल में आता है, और किसी में नहीं आता। ठीक है, या तो ये वन से डिवाइड होता है, या 41 से ही। 43, 43 भी या तो वन से डिवाइड होते हैं, 43 से ही। तो ये भी दोनों कैसे हैं? प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर तो हैं, क्या ट्विन प्राइम्स हैं? देखो, जब आप ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हो, तो पहले तो वो प्राइम नंबर होना चाहिए, और उसके बाद क्या होना चाहिए? ट्विन। तो अब आप देख लो, 41 में से जब 43 में से जब आप 41 माइनस करोगे तो कितना आएगा? ठीक है, टू ही आएगा। तो ये कैसे हो जाएंगे? ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास
को प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब को प्राइम नंबर ये ध्यान से देखना है। अब यहाँ पे इसको इसके नाम से कंफ्यूज़ नहीं होना है, को प्राइम, इससे ये कंफ्यूजन ध्यान अपने दिमाग में लेके आए कि इसमें प्राइम नंबर होंगे। इसको आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। देखो क्या है, टू नंबर्स, कोई भी नंबर हो सकते हैं, अब ये चाहे वो प्राइम हो चाहे कंपोजिट हो, कोई कंपल्शन नहीं है। टू नंबर्स आर सेट टू बी को प्राइम व्हेन दे हैव ओनली वन एज कॉमन फैक्टर, ठीक है। ध्यान से देखो, पहले मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करती हूँ, फिर दोबारा डेफिनेशन पे जाएंगे। मैंने कोई दो नंबर ले लिए, अलग अलग ये दो एग्जांपल है, दोनों बताऊँगी, थ्री एंड फाइव, ठीक है। थ्री के आप इसको बेश ऐसे ना देखो, बेशक यहाँ से देख लो, फैक्टर ऑफ थ्री निकाले मैंने, मतलब थ्री किन किन से डिवाइड होता है, वन से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, थ्री से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, फैक्टर दो फाइव आर, फाइव वन से पूरा पूरा डिवाइड होता है और फाइव से, तो थ्री के फैक्टर क्या है, वन और थ्री, फाइव के फैक्टर क्या है, वन और फाइव, ठीक है। अब आप ये देखो, ये थ्री और फाइव तो अलग अलग हैं, ऐसा क्या है जो दो थ्री के फैक्टर्स हैं वन और थ्री, फाइव के फैक्टर हैं वन और फाइव, क्या कोई कॉमन है, कॉमन मतलब जो दोनों में आ रहा हो, तो वन ऐसा फैक्टर है जो दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो इन्होंने यही बोला है, टू नंबर्स आर सेट टू बी को प्राइम, किन्हीं दो नंबर को आप को प्राइम कब बोलोगे, व्हेन दे हैव वन एज कॉमन फैक्टर, अगर जो कॉमन फैक्टर वो सिर्फ क्या आ रहा है, वन आ रहा हो, वन के अलावा मान लो यहाँ टू टू आ जाता तो ये को प्राइम नहीं होते, सिर्फ वन वन आए अगर, ठीक है। अब जैसे मैंने 19, देखो ये तो दोनों प्राइम नंबर थे, थ्री सिर्फ थ्री से डिवाइड होता, फाइव सिर्फ फाइव से या वन से, ठीक है, ये तो दोनों प्राइम नंबर थे, लेकिन मैंने यहाँ 19 और 20 लिया। अब आप फैक्टर देखो, फैक्टर ऑफ 19 आर, 19 किस किस की टेबल में आता है, वन की टेबल में आता है और 19 की में आता है। फैक्टर्स ऑफ 20 आर, 20 किस किस की टेबल में आता है, वन की टेबल में आता है, टू की टेबल में आता है, फोर की टेबल में आता है, फाइव टेन ट्वेंटी, इन सब की टेबल में आता है। टेबल में आने का मतलब अब उसके फैक्टर्स हैं। अब इनमें देखो को प्राइम मुझे निकालना है, कॉमन फैक्टर क्या है। अब आप देखो 19 ऊपर है तो नीचे कहीं नहीं है, टू फोर फाइव टेन ट्वेंटी ये नीचे हैं तो ऊपर नहीं मिल रहे, तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो दोनों में आ रहा है, तो ऐसा कौन सा है, वन ऐसा फैक्टर है जो दोनों में मिल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी दो नंबर लेंगे, उनके फैक्टर्स करके देख लेंगे, अगर वन उनमें कॉमन आ रहा है तो ये दोनों नंबर कैसे हो जाएंगे को प्राइम, ठीक है। अगर डेफिनेशन क्लियर ना हो तो आपको एक बार दोबारा से इनको आप देख लें, क्योंकि सिक्स क्लास तक डेफिनेशंस इतनी नहीं बच्चों से कराते, न्यूमेरिकल ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एक बार पढ़ लें ध्यान से, आपके पास आएंगे क्वेश्चन ही, लेकिन आपको इनकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, ठीक है।